नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर की लाडगंज थाना पुलिस ने पश्चिम बंगाल के रहने वाले दो छात्र ठगों को गिरफ्तार करते हुए ठगी के उस खेल से पर्दा उठा दिया है जो शहर में संचालित किया जा रहा था। जी हाँ, पहले अरब देश की असली करेंसी के नाम पर लोगों को लालच में लिया जाता, फिर हाथ की सफाई के साथ कागज के टुकड़े थमा दिए जाते थे। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब जबलपुर के रानीताल में मछली की दुकान लगाने वाले सावन सोनकर के साथ यह ठगी की गई। वहीं लाडगंज एसआई मिश्रा ने भी बताया, और दरअसल फरियादी सावन सोनकर ने बताया कि जब रानीताल चौराहे पर खड़ा था उस दौरान दो व्यक्तियों ने खुद को पश्चिम बंगाल से आए हुए होना बताया गया और भारतीय रुपए नहीं होने के चलते खुद को परेशान बताते हुए मदद की गुहार लगाई और कहा कि उन्हें अर्जेंट रुपयों की ज़रूरत है। इसके बाद ठगों ने अरब देश के नोट दिरहम की मौजूदगी को भी दिखा दिया। फिर ठगों ने बताया कि एक दिरहम की कीमत भारत में 20 रुपए के बराबर है और उनके पास दिरहम में 50-50 रुपए के कई नोट हैं। ऐसे में 50 दिरहम का नोट जिसकी कीमत भारत में 1000 रुपए है, उसके बदले मैं भारतीय 200 रुपए उन्हें दे दूंगा। ऐसे में उसे सीधा 800 रुपए का फ़ायदा होगा। इसी लालच में आकर उन्होंने 50-50 दिरहम के 10 नोट के बदले में भारतीय 2000 रुपए ले लिए। लेकिन ठगी अभी होना बाकी थी क्योंकि जिस छोले में रखे रुमाल में बंधे दिरहम के नोट फरियादी को दिखाए वह हाथ की सफाई के साथ मुट्ठी में बांधकर उसे दे दिए गए और सार्वजनिक स्थान पर नोट ना देखने की बात कही गई। ऐसे में बाद में उसने देखा तो उसे दिरहम की जगह खाली कागज के टुकड़े थमा दिए गए थे। शिकायत पर पुलिस ने सरगर्मी से तलाश शुरू करते हुए दो लोगों को पकड़ा जिन्होंने पूछताछ में अपने नाम मोहम्मद इकबाल निवासी जिला शांतिपुर वेस्ट बंगाल और कोकिन शेख निवासी जिला खिरदीपुर वेस्ट बंगाल होना बताया गया। दोनों को थाना लाकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो दिरहम चेंज करने के नाम पर धोखाधड़ी करने की बात कबूल कर ली गई। ठगों के कब्जे से 50-50 के साथ दिरहम के नोट और भारतीय करेंसी की नकदी 2000 रुपए जब्त किए गए। अरब करेंसी के नाम पर की गई ठगी के मामले के बाद पकड़े गए ठगों से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है और आरोपियों के बैकग्राउंड को भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 और 34 के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। जबलपुर से केकेआर न्यूज के लिए बाजिद खान की रिपोर्ट। फर्जी करेंसी का मामला था, क्या है पूरा घटनाक्रम? ऐसा है कि भानतलैया के रहने वाला एक लड़का है, वो आज अपने मामा के पास यहाँ रानीताल चौराहे में आया था। उसको पश्चिम बंगाल के दो लोग मिले, उन्होंने कहा कि हमारे पास भारतीय रुपए नहीं, हम बाहर से आए हैं लेकिन हमारे पास अरब की करेंसी दिरहम रखी हुई है, हमें भारतीय पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक दिरहम की कीमत 20 रुपए है, हमारे पास 50-50 रुपए के दिरहम के नोट हैं, हम आपको 200 रुपए में एक 50 रुपए का नोट दे देंगे जबकि उसकी कीमत 1000 रुपए है। उसके ऐसा कहने पर वो लड़का तैयार हो गया, उसने उस अपने पास रखे 2000 रुपये पश्चिम बंगाल से आए दोनों युवकों को दे दिए और बातों बातों में उन्होंने भानतलैया वाले अपने जबलपुर के लड़के से 2000 रुपये भी ले लिए और जो उसको अरब की मुद्रा दिरहम को दिखा के लिए गए थे वो पैसे भी उससे वापस ले लिए और उसके बदले में एक कागज पेपर का टुकड़ा दे दिया। बोले इसको आप अपनी जेब में रख लें, यहाँ पर भीड़भाड़ है, लोग देखेंगे, पुलिस भी आ सकती है, बाद में जाके देख लेना। वो जब लड़का आगे जाकर देखा तो उसने देखा तो उसको दिरहम के बदले एक पेपर का टुकड़ा था। तो फिर उसने आके थाने में रिपोर्ट की, प्रार्थी के द्वारा बताए गए हुलिये के अनुसार आरोपियों की तलाश की गई जो यादव कॉलोनी के पास मिले, जिन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। इनका कोई पुराना रिकॉर्ड कुछ? ये अभी ही आए हैं, इनका जिले में तो कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है और पता किया जाएगा। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।